सर जो सीईटी में जनरल कैटेगरी के लिए 50% मिनिमम क्वालिफिकेशन रखी गई है और रिजर्व कैटेगरी के लिए 40%, तो एक्स सर्विसमैन कैंडिडेटों के काफ़ी क्वेश्चन आते हैं कि हमारे लिए जो रिजर्व कैटेगरी वाली है वो मान्य रहेगी या फिर अलग से हमारे लिए, क्या जो मिनिमम। सर ये ग्रुप सी के जो 26,000 पद आए हैं इनमें आप मोटे तौर पर कुछ बता सकते हो तो किस किस विभाग से सर कितने आप लगाया देखो, जा रहा है कि हरियाणा पुलिस की भर्ती है वो सीईटी के तहत होने वाली है, तो उसमें दूसरे जो पेपर के लिए ग्रुप सी की भर्ती है दूसरे पेपर के लिए कितने गुना कैंडिडेटों को बुलाया जाएगा, या फिर जो ये 4 गुना या 5 गुना वाला जो प्रोसेस है इसी के तहत बुलाया जाएगा। क्योंकि सर उसमें हरियाणा देखिए पुलिस की जो नई भर्ती है उसमें लगभग कितने पदों पर ये भर्ती आ सकती है, और क्या सर, जो एसआई की सीईटी भर्ती। का प्रोसेस ये तो फर्स्ट टाइम एग्जाम हो रहा है, आगे क्या एचएसएससी ऐसा करना चाहेगी जैसे कैलेंडर फिक्स कर दिया जाए कि 6 या 8 महीने में ये भर्ती है जो कंप्लीट कर ली जाएगी। नमस्कार दोस्तों, मैं विजय कसाना डिजिटल प्रशिक्षा के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, एसएसएससी सीईटी का एग्जाम हो चुका है। सबसे बड़ा मुद्दा यह बना हुआ है कि क्या आपका जो एसएसएससी की ग्रुप सी की भर्तियां होने वाली है उनमें दूसरे एग्जाम देने वालों में नंबर आएगा, यानी कि क्या आप क्वालिफाई होंगे दूसरे एग्जाम देने के लिए, और हरियाणा पुलिस भर्ती में कितने गुना कैंडिडेटों को बुलाया जाएगा क्योंकि उसमें फिजिकल भी है। इसके अलावा जो एसएससी ने 4 गुना कैंडिडेटों को बुलाने का प्रोसेस अपना रखा है, क्या उतने ही गुना कैंडिडेट बुलाए जाएंगे या फिर जो सीईटी है वो क्वालिफाई होगा। सभी क्वेश्चंस के डाउट जो आपके दिमाग में चल रहे हैं उन क्वेश्चंस के जवाब आप चेयरमैन साहब से सुनिएगा, क्योंकि साथियों हमने जो पहले इंटरव्यू लिया हुआ है उस इंटरव्यू में इन सभी सवालों के जवाब आपको दिए जा रहे हैं, चेयरमैन साहब के द्वारा आप सुन सकते हैं। पहले आप ना तो वीडियो को लाइक करिएगा और ना चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, एक बार आप पूरा ये इंटरव्यू देखें उसके बाद अगर आपको लगता है कि हाँ हमारे द्वारा जेन्युइन क्वेश्चन पूछे जो गए आपके मन में सवाल चल रहे हैं वही पूछे गए हैं, तो साथियों आप वीडियो को लाइक करें बिना मत जाना और ज्यादा से ज्यादा अपने साथियों में शेयर करें ताकि सभी साथियों का जो डाउट है वो क्लियर हो सके। और मैं आपको बता देना चाहता हूं ये जून महीने का इंटरव्यू लिया हुआ है लेकिन आपके डाउट क्लियर किए जा चुके हैं, तभी हमने ये क्वेश्चन पूछ दिए गए थे जो भी क्वेश्चन रखते हैं। अगर कोई नया क्वेश्चन आपके पास है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिएगा। चलिए साथियों अब इंटरव्यू देख लीजिए, उसके बाद वीडियो को लाइक करे बिना मत जाइएगा। सर जो सीईटी में जनरल कैटेगरी के लिए 50% मिनिमम क्वालिफिकेशन रखी गई है और रिजर्व कैटेगरी के लिए 40%, तो एक्स सर्विसमैन कैंडिडेटों के काफ़ी क्वेश्चन आते हैं कि हमारे लिए जो रिजर्व कैटेगरी वाली है वो मान्य रहेगी या फिर अलग से हमारे लिए, क्या जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है वो रहने वाली है। नहीं, उसमें दो ही श्रेणियों में बांटे हैं, जनरल कैटेगरी को सीईटी क्वालिफाई करने के लिए 50% मार्क चाहिएंगे, और जो जितनी भी रिजर्व कैटेगरी हैं वो एससी है, बीसी है, बीसीबी है, बीसीए है, ओएसपी है, आर्मी के लोग हैं, उन सब के लिए वो 40% की वो रहेगी, योग्यता रहेगी कि वो 40% क्वालिफाई होने के लिए 40% का जो स्कोर है वो अचीव करें। जी सर। सर एक जैसे अब कोई कैंडिडेट सीईटी का एग्जाम देता है तो उसकी जो एएलएम की आईटीआई की क्वालिफिकेशन मान लो, या फिर अगर स्टाफ नर्स भर्ती से रहता है तो उसका स्टाफ नर्स का जो डिप्लोमा है वो अभी अपीयरिंग में चल रहा है, और मान लो जब तक सीईटी एग्जाम के बाद पोस्ट आती है तो तब उसका ये कंप्लीट हो जाता है, तो क्या वो उसमें अप्लाई कर सकता है। हाँ, सीईटी में ये प्रावधान है क्योंकि सीईटी 3 साल के लिए वैलिड है, एक बच्चा अभी +2 में है तो वो अप्लाई कर सकता है, सीईटी का पेपर क्वालिफाई कर सकता है। जो अगला पद आएंगे, फर्दर जो टेस्ट होगा, स्क्रीनिंग जो पोस्ट के अंगेंस्ट होगा, उस टाइम तक उसका जो सिलेबस है या सर्टिफिकेट है, डिप्लोमा है, वो क्वालिफाई होना चाहिए। सर ये ग्रुप सी के जो 26,000 पद आए हैं इनमें आप मोटे तौर पर कुछ बता सकते हो तो किस किस विभाग से कितनी लगभग पोस्टें हैं। वो आज सारे जो है साइट पे है और अखबार ने भी लिखा हुआ है, सारे न्यूज़पेपरों में, उसमें काफ़ी पोस्टें हैं, क्लर्क की हैं, अकाउंटेंट की हैं, मंडी सुपरवाइजर की हैं, इंस्पेक्टर फूड एंड सप्लाई हैं, सब इंस्पेक्टर फूड एंड सप्लाई हैं, एएलएम हैं, स्टाफ नर्स हैं, एमपीएचडब्ल्यू हैं, टैक्सेशन इंस्पेक्टर हैं, एक्साइज इंस्पेक्टर हैं, इस तरह की बहुत सी पोस्टें हैं। और ये जो मेल फीमेल कॉन्स्टेबल का रिजल्ट में हमने फार्मूला अपनाया है, इसी परसेंटाइल मेथड से एनटीए भी अपना रिजल्ट तैयार करेगा। मैं बच्चों को अग्रिम सूचना ये देता हूँ कि जो नॉर्मलाइजेशन का फार्मूला है वो सीटी पे 100% लागू होगा। जैसे सर अब बताया जा रहा है कि हरियाणा पुलिस की भर्ती है वो सीटी के तहत होने वाली है, तो उसमें दूसरे जो पेपर के लिए ग्रुप सी की भर्ती है दूसरे पेपर के लिए कितने गुना कैंडिडेटों को बुलाया जाएगा, या फिर जो ये 4 गुना या 5 गुना वाला जो प्रोसेस है इसी के तहत बुलाया जाएगा क्योंकि उसमें फिजिकल भी है। देखिए ऐसा है, जो सीटी क्वालिफाइंग लोग हैं पुलिस को छोड़ के उसमें हम 4 गुना बच्चों को मेन परीक्षा के लिए बुलाएंगे, जिसको हम स्क्रीनिंग टेस्ट या पोस्ट के अगेंस्ट टेस्ट कहते हैं। रही पुलिस की बात, जैसा आपने कहा कि इसमें पीएमटी पीएसटी भी है, तो इसमें हमने कुछ संख्या ज़्यादा बढ़ानी पड़ेगी,
जो हमने अब 7 टाइम बुलाए थे, तो कम से कम 7 टाइम तो हम उसमें से बुलाएंगे। पर वो पुलिस रिक्रूटमेंट जो एक्ट है पुलिस ने, उसमें अपने अमेंडमेंट करनी पड़ेगी। और हमने पुलिस के आला अधिकारियों के साथ कल बैठ के DGP साहब के साथ, ADGP साहब के साथ उनको ये फार्मूला समझा दिया, और वो जल्द ही जो एक्ट है उसमें दो चार चेंज हैं उसको करने जा रहे हैं, अमेंडमेंट करने जा रहे हैं। एक मैंने फार्मूला उनको ये दिया है कि चूँकि पुलिस भर्ती में एक्स्ट्रा 20 मार्क्स थे, 10 100 100 इकोनॉमिक के और 10 एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन के, अगर कोई बच्चा 20 में से 20 ले रहा है, 17 ले रहा है, 12 ले रहा है, 15 ले रहा है, तो वो दूसरे बच्चे से बहुत ज़्यादा जंप कर देता है। तो मैंने पुलिस को सुझाव दिया है, मैंने क्या पूरे आयोग ने सुझाव दिया है कि ये जो नंबर हैं 20, ये बहुत ज़्यादा हैं, इन नंबरों को कुछ कम किया जाए, और ये जो BA के नंबर हैं या MA के नंबर हैं इनको कट करके हम सिर्फ NCC के नंबर दें। अगर हमने हाई क्वालिफिकेशन के नंबर देने ही हैं तो वो 2 नंबर दें और NCC के 3 देंगे, सिर्फ नंबर 5 रखे हैं हम, और 500 इकोनॉमिक के किसी भी उसमें ये 10 से ज़्यादा नहीं हो, क्योंकि मेरिटोरियस बच्चों को सफ़र करना पड़ता है। सर, CET के बाद जैसे ग्रुप सी का जो दूसरा एग्जाम होगा वो NTA लेगी या HSSC? नहीं, वो HSSC लेगी। तो सर उस एग्ज़ाम में जैसे सेम ग्रेड की पोस्टें हैं उनका एक एग्ज़ाम हो सकता है? बिल्कुल, हम अभी ये देख रहे हैं कि कितनी पोस्टों के क्वालिफिकेशन जो क्राइटेरिया सेम है, जैसे मंडी सुपरवाइज़र हो गया, अकाउंटेंट हो गए, इंस्पेक्टर्स हो गए हमारे, कुछ असिस्टेंट मंडी सेक्रेटरी हो गए, इन सब की क्वालिफिकेशन लगभग ग्रेजुएशन है। तो हम चाहेंगे कि जिन जिन पदों की क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन है उनका एक कॉमन टेस्ट हो जाए, जिनकी प्लस टू है उनका अलग हो जाए, टेक्निकल पोस्टों का अलग हो जाए, ताकि मैक्सिमम लोगों को लाभ मिले और हम उनसे प्रेफरेंस बनवा लें कि तू इंस्पेक्टर लगना चाहता है, क्या लगना चाहता है। तो अगर वो उसकी प्रेफरेंस और मेरिट में है, आ रहा है, तो उसको पहले वो पोस्ट मिल जाए, दूसरी, तीसरी, चौथी, पाँचवीं, सारी च्वाइस हों उस पर, ज़्यादा से ज़्यादा लोग लग जाएँ। ये ना हो कि हम पोस्ट के टेस्ट लेते रहें और बार बार वही बच्चे सेलेक्ट होएं या एग्ज़ाम देने के लिए वही आएँ। सर, एक CET में जो मिनिमम क्वालिफिकेशन रख दी गई है, फिर भी 3-4 गुना बच्चों को ही बुलाया जा रहा है, तो युवाओं के ये भी सुझाव हैं या उनके जो क्वेश्चन हैं कि सर मिनिमम क्वालिफिकेशन आप बढ़ा सकते हैं, चाहे 50% की 60% कर दीजिए, लेकिन मिनिमम क्वालिफिकेशन जो क्लियर करता है उन बच्चों को ही बुला लिया जाए तो अच्छा रहेगा? देखिए, CET का जो प्रारूप है, जो ड्राफ्ट है, वो हरियाणा सरकार ने तैयार किया है। जैसा आपने सुझाव दिया है, बच्चों की तरफ से प्रतिक्रिया रहे हैं, मैं इस सुझाव को भी सरकार के आगे रखूँगा कि ये क्वालिफाइंग हो, ना कि 4 गुना या 5 गुना, जो भी क्वालिफाई हो वो सब एग्ज़ाम दे पाएँ। ये सुझाव मैं सरकार के पास रखूँगा और सरकार क्या वो लेती है वो उसके ऊपर है। सर, हरियाणा पुलिस की जो नई भर्ती है उसमें लगभग कितने पदों पर ये भर्ती आ सकती है और क्या SI की भर्ती भी आने वाली है? कल तक जो हमारे पास पुलिस विभाग ने डिमांड भेजी है, जिसका आज एडवर्टाइजमेंट हुआ है अखबार में भी, हमारी साइट पे भी, उसमें 5,000 मेल कॉन्स्टेबल और 1,000 जो है फीमेल कॉन्स्टेबल की मांग हमारे पास पुलिस की तरफ से आई है। SI जो है, जो ASI है, उसकी डिमांड हमारे पास अभी तक नहीं आई। सर, जो CET का प्रोसेस, ये तो फर्स्ट टाइम एग्ज़ाम हो रहा है, आगे क्या HSSC ऐसा करना चाहेगी जैसे कैलेंडर फिक्स कर दिया जाए कि 6-8 महीने में ये भर्ती है जो कंप्लीट कर ली जाएगी, तो ऐसा कोई विचार चल रहा है सर? देखिए, ऐसा है, CET जो है वो एक गेम चेंजर प्लान है सरकार का, क्योंकि हम 18 लाख, 20 लाख, 10 लाख, 8 लाख इस तरह से एग्ज़ाम लेते थे। अब हम CET का पेपर लेंगे एक बार साल में, और जो अगली पोस्ट के लिए स्क्रीनिंग टेस्ट लेंगे उसमें हमारे पास शॉर्ट लिस्टेड बच्चे होंगे 5,000, 10,000 इस तरह के, किसी एक दो जिले में हैं, हम उनका एग्ज़ाम करवा सकते हैं। और जो रिक्रूटमेंट की जो प्रक्रिया है, जो बहुत देर लगती थी जिसमें, अब ये बहुत फास्ट होने वाली है, क्योंकि हमारे पास एक शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट की लिस्ट है, सिर्फ हमने उनकी DV करनी है। अब हम 10-10 लाख लोगों की डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करते थे, उसमें देर तो लगती थी, तो एक गेम चेंजर प्रोग्राम लेके आई है।